हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल पिगेस वांडर आई डोंट नो कितने लोगों को पता है बट वॉन्डर मींस मैं भटकता भटकने वाला इंसान हूँ जो भी मुझे घूमने की जगह मिल जाती है मैं जाता रहता हूँ तो आज मैं ले जाने वाला हूँ आपको एक ऐसी जगह जो पुणे में स्थित है और ये एक गार्डन है बट गार्डन से कहीं बढ़ के है और ये एक वन ऑफ द वेल मेंटेन्ड गार्डन मतलब आपको लगेगा कि इंडिया में है ही नहीं इसका नाम है पुणे योकामा फ्रेंडशिप गार्डन और पूला देश पांडे गार्डन तो ये जो गार्डन है ये पुणे सिटी में स्थित है ऑलमोस्ट स्टेशन से पाँच से सात किलोमीटर के डिस्टेंस में है और ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है एक सुंदरता और शांति का प्रतीक है चलिए इस गार्डन को घूमने से पहले एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं तो ये गार्डन 2004 में बना था और ये पुणे और ये दो शहरों के बीच फ्रेंडशिप का सिंबल है वो दो शहर हैं इंडिया का पुणे और जापान का योकामा सिटी तो ये दिस इज सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दिस टू सिटीज और ये जो बनाया हुआ है ये जापान की एक जापान के अंदर एक योकामा सिटी में एक गार्डन है जिसका नाम है को, द कोरा गार्डन उसके बेस पे बनाया गया ऑलमोस्ट वी कैन सी द कॉपी ऑफ दैट गार्डन और इसका नाम पुला देश पांडे क्यों है क्योंकि ये जो है पुणे के योकामा सिटी के साथ फ्रेंडशिप और साहित्य के महान शिल्पी पूला देश पांडे की याद में बनाया गया इसलिए इसका नाम पूला देश पांडे भी है आइए चलते हैं थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। ये गार्डन अपने नेचुरल और ब्यूटीफुल सीनरी के लिए बहुत फेमस है और यहाँ का जो एटमोसफियर है काफ़ी पीसफुल है यू विल फील यू आर कनेक्टेड विथ नेचर यहाँ के खूबसूरत फूल पेड़ पौधे झरने आदि को देखकर आप अपने कलरफुल नेचुरल ब्यूटी में खो सकते हैं इसके अंदर बैठने के लिए सफिशिएंट जगह है आप फोटोज़ अच्छे से खींच सकते हैं और बहुत ही शांति मिलती है आपको इधर आके यहाँ पे आप ये एक बहुत अच्छी जगह है अगर आप एक दिन के लिए आते हैं इधर तो एक दिन की जरूरत होती नहीं है एक दिन के टाइम भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से दो से तीन घंटे सफिशियंट होते हैं तो आप आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ हाफ डे पिकनिक काइंड ऑफ थिंग और मे बी फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो और बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर और जैसा कि आप वीडियोज़ में देख ही रहे हैं मतलब नेचुरल हैबिटेट और आई वुड से एकोसिस्टम यहाँ देखो वाटरफॉल्स हैं नेचुरल वाटरफॉल्स और फाउंटेंस दैन आप देख सकते हो फिशेस हैं और आप अगर पूरा दिन स्पेंड मतलब एक बार अगर आप यहाँ आते हो तो आपका जाने का मन ही नहीं करेगा आप यहाँ पे बैठ के बुक पढ़ सकते हो रेस्ट कर सकते हो और आप आएंगे तो आप देख सकते हो कितना वेल well मैंटेन्ड है बट ये है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं आगे रेगुलेशन आप उसके घास पे अंदर नहीं जा सकते हो इसीलिए इतना अच्छा है अदरवाइज़ तो इंडिया में पता ही है आपको कि अगर ऐसे रेस्ट्रिक्शन ना लगाएं तो कितना भी अच्छा गार्डन हो कहाँ मेंटेन हो पाता है और आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही शांति शांति मिलेगी और अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ फोटोशूट वग़ैरह के लिए तो वो कर सकते हैं कई लोगों को मैंने देखा है वीडियोस बनाते हैं और रील्स बनाने के लिए अच्छा है तो ये है ब्रीफ और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और आप किसी और नई जगह का वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए तो इसी के साथ ही मैं क्लोज़ करता हूँ ये वीडियो धन्यवाद दोस्तों आ, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा हम क्लोज करने से पहले और दिखा दूँ इसका डिटेल्स नेचुरल नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इसके बाद आई वुड से वंस अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे साथ जुड़ें और ऐसे ही हिडन uh, प्लेसेस और मैं हिडन प्लेसेस नहीं कहूँगा मेरा मुझे अच्छा लगता है नई जगह एक्सप्लोर करना तो जो भी जगह मैं एक्सप्लोर करता हूँ मैं बताता हूँ तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए और जल्दी ही मैं वापस लौटूंगा एक नए रोमांचक जगह के साथ तब तक के लिए थैंक यू गुड बाय